क्लास 10 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये हम पहले भी छोटी कक्षाओं में सीख चुके हैं, बहुत आसान है। हमारे पास एक संख्या है 140, हमने इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है बेसिकली, बस और कुछ नहीं। तो देखिए कैसे करते हैं हम इसको। 140 हमने लिखा और इस प्रकार से हमने अभाज्य गुणनखंड के लिए ये लाइनें लगाई हैं। सबसे पहले देखेंगे इसके पीछे शून्य है, यानी कि यह सम संख्या है, इवन नंबर है, दो के पहाड़े में आएगी तो दो के पहाड़े में जाएगा, 7 × 2 = 14 और 0, यानी 2 × 70 होता है 140। 70 के पीछे फिर से 0 है, ये फिर 2 के पहाड़े में आ सकता है, हमें पता भी है पहाड़ा। 35 को 2 से गुना करेंगे तो ये आता है 70। अब यहाँ है 35, हमने देखना है 35 किसके पहाड़े में जाएगा, ये जाएगा 5 के पहाड़े में, 5 × 7 = 35, और उसके बाद 7 आ गया है, ये जाएगा 7 के पहाड़े में, तो 7 × 7। इस प्रकार से 140 का जो अभाज्य गुणनखंडन है वो है 2 × 2 × 5 × 7। यही इन्होंने कहा था कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं, यानी ये अपने अलावा और किसी पहाड़े में नहीं आती। यहां आपने वही संख्या लेनी है जो अपने अलावा और किसी के पहाड़े में ना आती हो, अभाज्य संख्याएं सारी लेनी है। अभाज्य संख्याएं मैं आप एक बार आपको बता भी देता हूं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 इस प्रकार की जो संख्याएं हैं जो अपने अलावा किसी और पहाड़े में नहीं आती, जिनका सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं, एक होता है 1 और एक होती है यह संख्या खुद। जैसे 2 है तो इसके दो ही गुणनखंड हैं, एक है 1 और दूसरा है 2 खुद से, और इनका कोई गुणनखंड नहीं होता, तो ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और इसकी तरफ ज्यादा ध्यान ना देकर हमें ये देखना है कि हमें यहाँ पे सिर्फ अभाज्य संख्या लेनी है और 140 का अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल दिया है। यही हमें इस प्रश्न में चाहिए कि 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में निकालो। कई क्लासेस में इसको जैसे दो बार रिपीट हुआ तो ये इसका मतलब है 2 की पावर 2, 5 एक ही बार रिपीट हुआ है तो 5 की पावर 1, 7 एक ही बार है तो यानी 7 की पावर 1। कई कई बुक्स में या कई रेफरेंस बुक्स में आपको यह इस प्रकार से भी दिया होगा, तो यदि आप यहां भी अपना प्रश्न छोड़ देते हैं तो यह ठीक है, और चाहे तो इसको आगे इस प्रकार से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं कि 2 बार गुना हुआ है तो 2 की पावर 2 है, 5 एक ही बार गुना हुआ है तो 5 की पावर 1 है, 7 एक बार ही गुना हुआ है तो 7 की पावर 1 है। आइए हम एक और सवाल करते हैं, बाकी सवाल आप खुद से ट्राई कीजिएगा। जैसे कि हमारे पास एक संख्या है 3825, तो सबसे पहले इसको, इसके पीछे 5 है तो मैं सबसे पहले इसको 5 के पहाड़े पर ही ट्राई करता हूं। ये पहली संख्याएं हैं, 3 इससे छोटा है तो दो संख्याएं इकट्ठी लेंगे तो ये बन गया 38, 5 × 7 = 35, 38 में से 35 निकाला बच गया 3, 3 2 के साथ जुड़ के बन गया 32, तो 5 × 6 = 30, 32 में से 30 निकाले 2, 2 5 के साथ जुड़ के बन गया 25, तो 5 × 5 = 25, यानी 765 को 5 से गुना करेंगे तो 3825 आएगा। एक बार फिर से मैं 5 के साथ इसको गुना करके देख लेता हूं, 5 1 के पहाड़े में, 5 × 5 = 5, 7 में से 5 निकाला, ये काफी सारी चीजें जुबानी होती हैं इसमें, ओरली होती हैं। 5 × 5 = 5, 7 में से 5 निकाला 2, 2 6 के साथ जुड़ जाएगा तो बन गया 26, 5 × 5 = 25, 26 में से 25 निकाला 1, 1 इस 15 के साथ जुड़ के बन गया 15, 5 के साथ जुड़ के बन गया 15, तो 5 × 3 = 15, तो ये आ गया 153। अब यह दिख रहा है कि यह 15, ये 3, ये 5 × 3 = 8 और 1 = 9, ये 3 के पहाड़े में चला जाएगा तो मैं इसको 3 से गुना कर देता हूं, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 51 × 3 = 153, 3 के पहाड़े में 51 फिर से चला जाएगा, ये पहाड़ा हमें याद है 17 × 3 = 51, 17 और किसी के पहाड़े में आता नहीं तो यह होगा 17 × 1 = 17। इस प्रकार से यह इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो अब हमने 3825 का अभाज्य गुणनखंड लिख देना है, ठीक है, वो हो जाएगा, देखिए
ऊपर से 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। देखिए 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। और जैसा हमने ऊपर किया था तो आप यहां देखेंगे ध्यान से, 5 दो बार रिपीट हुआ तो 5 की पावर 2, 3 दो बार रिपीट हुआ तो 3 की पावर 2, 17 एक ही बार रिपीट हुआ तो 17 की पावर 1। ठीक है, इस प्रकार से हमने इस इन प्रश्नों में देखा। ये बहुत आसान है, ये पहले भी आप 7वीं 8वीं कक्षा में कर चुके हैं। सो हमने अभाज्य गुणन खंडन इन संख्याओं का निकालना है। ये हमने अभी पहला प्रश्न के कुछ पहला और तीसरा भाग किया है, इसके थोड़े से भाग और हैं, वो आप स्वयं ट्राई कर लीजिएगा।